हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको नीनुआ का भरुआ का सब्जी बनाकर बहुत ही आसान तरीकों से बहुत ही टेस्टी आपको बताऊंगी बनाकर। तो आप नॉन वेज खाना भूल जाओगे क्योंकि वो नॉन वेज से भी अच्छा टेस्ट उसमें आता है। तो एक बार आप इस तरीके से जो है नीनुआ का रेसिपी का सब्जी, जो भरुआ का जो सब्जी है, उसको बना खाइए। तो इसको खाने के लिए आपको ये वीडियो को पूरे अंत तक, जो है एंड तक देखना होगा। तो आइए और इस वीडियो को जो है आप देखिए शुरू से एंड तक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जो है लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरीके से सभी नेनुआ को जो है इस तरीके से हम लोगों को एक साइड से बीच से जो है फाड़, जैसा देख सकते हैं कि नेनुआ को मैंने जो है बीच से फाड़ा लगा लिया है। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर मिर्चा, जीरा गोलगी और एक चम्मच धनिया का जो है यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर जो है एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर आमचूरन लिया है एक चम्मच बड़े चम्मच से, और यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला, मिर्चा लिया है हमने आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च लिया है, और थोड़ा सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार जो है आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चम्मच ऑयल लिया है रिफाइंड ऑयल। अभी सभी को जो है मैं इसमें मिक्स करके इसे बनाने वाली हूँ। देखिए इसे हल्का हल्का बीच में आप जो है इसे डाल लें, और इस तरीके से जो आप थोड़ा थोड़ा उंगलियों के सहारे से आप जो है इस तरीके से इसे, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से जो है नीनुआ कलौंजी का सब्जी बनाने के लिए स्टफिंग को जो है मैं नीनुआ के अंदर में डाल के, दो चम्मच ऑयल लिया है सरसों ऑयल, और एक चुटकी यहाँ पर हींग, और आधा चम्मच जो है जीरा इस तरीके से मैंने डाल लिया है। और यहाँ स्टफिंग में से जो है बचा हुआ था मसाला, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब सभी का मिक्सर करके इसको जो है हल्का हल्का फ्राई करना है आपको, और गैस का फ्लेम को कम रखना है इस तरीके से। करने के बाद इसमें आप जो है इस तरीके से आप इसको डाल दें, इस तरीके से डालने के बाद सभी को जो है इस तरह से आप गैस का फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा, इसमें आप अपने स्वाद अनुसार जो है और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया, ये और स्वाद को जो है बढ़ाएगा। इस तरीके से आप इसे जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसमें आप जो है एक नींबू और लास्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आमचूरन ही दिया है, अब मैं यहाँ नींबू नहीं डालूंगी। इस तरीके से जो है देख सकते हैं किस तरीके से जो है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेनुआ का कलौंजी वाला सब्जी जो है बनकर जो है पूरी तरह तैयार हो गया है बिना पानी का, क्योंकि नेनुआ में जो है पानी छोड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लग रहा है कि मैं नॉन वेज बना रही हूँ सावन के मंथ में। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप जो है नॉन वेज अगर नहीं खा सकते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार बना के और खाइए, तो फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा।